एक ऐसी जगह जहां लगता है दुल्हनों का मेला। यहां दूर दूर से कुवारे लड़के अपने लिए 100 या 200 रुपए देकर दुल्हन को खरीद कर ले जाते हैं। क्या आप भी इस जगह पर जाकर अपने लिए दुल्हन खरीदना चाहते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शिवपुरी मार्केट, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश अपने आप में कहने को एक बड़ा राज्य है, लेकिन इसी राज्य में शिवपुरी नामक एक शहर है। ये शहर अपने नाम के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर होने वाली धड़ीचा प्रथा के कारण सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर एक मंडी लगती है जहाँ पर लड़कियों को खड़ा किया जाता है, फिर यहाँ पर पुरुष आते हैं और अपनी पसंद की लड़की की कीमत तय करते हैं। लड़की जितनी सुंदर होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, और जब सौदा पक्का हो जाता है तो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर उन्हें खरीद लिया जाता है। पत्ता मेला, बिहार। दोस्तों, इस मेले में कई कुवारे लड़के और लड़कियां शामिल होती है। बता दें, इस मेले में नेपाल, बंगाल और झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों से लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। कहते हैं कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की इस परंपरा को पिछले 150 से भी ज्यादा सालों से मनाया जा रहा है। इस मेले में शामिल होने आए लड़के घूमते और देखते हैं। इस दौरान अगर उन्हें वहां पर कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसे वो लड़का एक पान देता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि जब किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसे फूल देकर प्रपोज करता है, लेकिन बता दें कि लड़की को प्रपोज करने का इनका तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये लोग पान देकर प्रपोज करते हैं। बता दें कि पान खाने के बाद लड़की की शादी उस लड़के के साथ पक्की हो जाती है, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़के और लड़की दोनों को अपने घर लेकर चले जाते हैं, और साथ में कुछ दिन दोनों को रखने के बाद अपने आदिवासी रीति रिवाजों से दोनों की शादी करके लड़की को विदा कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मेला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी लगता है, जिसे इश्क का बाजार कहा जाता है। हरदा जिले के मोरगढ़ी में दीपावली के बाद इश्क का बाजार लगता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस इश्क के बाजार में भी आदिवासी समाज के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके बीच बाजार में खुलेआम अपने इश्क का इजहार एक दूसरे को पान खिलाकर करते हैं। सौराठ सभा मेला, मधुबनी। दोस्तों, बिहार राज्य के मधुबनी शहर में लगने वाला ये लड़कों का मेला हर साल 9 दिनों के लिए लगता है। इस मेले की शुरुआत राजा हरि सिंह ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए की थी। इस मेले में ज्यादातर लोग भारत के अलग अलग राज्यों से और पड़ोसी देश नेपाल से आते हैं। बता दें कि सौराठ सभा में पंजीकारों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि जो भी शादियां तय होती है उन्हें मान्यता पंजीकार ही देते हैं। ऐसे में एक चीज जो लड़का और लड़की दोनों पक्षों में देखी जाती है वो ये कि शादी करने वाला लड़का और लड़की दोनों की तरफ से पिछली 7 पीढ़ी के संबंध न हो, और अगर इस बीच किसी तरह का कोई संबंध निकलता है तो शादी कैंसिल कर दी जाती है। चाउमोस फेस्टिवल, पाकिस्तान। दोस्तों, ये मेला हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियों के पास लगता है। बता दें कि ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में पाई जाती है। ये मेला हर साल दिसंबर के महीने में लगता है। इस फेस्टिवल में बॉन फायर जलाई जाती है, जिसके चारों ओर इकट्ठा होकर लड़के और लड़कियां नाचते गाते हैं। बता दें कि इस दौरान अगर वहां किसी भी महिला को कोई भी पुरुष पसंद आ जाए तो त्योहार खत्म होते ही वो महिला अपने पति से कहकर उस दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अपने पति से पूछकर कलश जनजाति में ये एक अहम रिवाज का हिस्सा होता है। दोस्तों, इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अगर वो महिला अपने नए पति से खुश न हो तो वो महिला कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद अपने पति के पास वापस आ सकती है, और उसका पति बिना किसी परेशानी के उस महिला को अपना भी लेता है।